जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी नई वीडियो पर। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रोजाना अपडेट्स लाता रहता हूं। तो दोस्तों यहां पर IBPS बैंक की तरफ से क्लर्क में भर्ती निकाली गई है। जी हां दोस्तों, पूरे भारत में टोटल 7,855 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके अंदर महिलाएँ और पुरुष दोनों आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। IBPS बैंक की तरफ से यहाँ पर क्लर्क 11th की यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं इस वैकेंसी के सिलेबस के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, कितनी सैलरी दी जाएगी, क्या एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है, कितनी एप्लीकेशन फॉर्म फीस यहाँ पर रखी गई है और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना। इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं और दोस्तों सिलेबस का भी यहाँ पर PDF है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही जानकारी लेके आता रहता हूँ। पहले मैं आपको ऐसे ही स्लाइड्स के थ्रू जानकारी देने वाला हूं, फिर बाद में हम नोटिफिकेशन को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर एज लिमिट की बात करें तो 20 वर्ष की उम्र से लेकर 28 वर्ष की उम्र तक आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट 27 अक्टूबर 2021 रखी गई है। 27 अक्टूबर तक इस वैकेंसी के फॉर्म भरे जाएंगे, फिर उसके नीचे PET ट्रेनिंग के बारे में आपको जानकारी दी गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर COVID-19 के चलते PET ट्रेनिंग का अभी पूरा कंफर्म नहीं है, ट्रेनिंग यहाँ पर कैंसिल भी हो सकती है। लेकिन अगर PET ट्रेनिंग की बात करें तो दोस्तों नवंबर में यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाएगी, फिर उसके बाद ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन किया जाएगा जो कि दिसंबर में रखा गया है। फिर मेन एग्जाम की यहाँ पर जो डेट है वो जनवरी या फरवरी में रखी जाएगी 2022 में। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी आपको दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पर सिंपली ग्रेजुएशन मांगी गई है, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम यहाँ पर किए जाएंगे, उसके बाद मेन एग्जाम भी आपके लिए जाएंगे, यहाँ पर कट ऑफ बनाई जाएगी, उसके द्वारा ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर एप्लीकेशन फॉर्म फीस क्या रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये की फॉर्म फीस रखी गई है और SC ST और विकलांग कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपये की फॉर्म फीस रखी गई है। अब हम नोटिफिकेशन की तरफ चल के भी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों ये हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर CRP क्लर्क्स की 11 पोस्ट पे वैकेंसी रखी गई है। यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप नीचे की तरफ चलेंगे तो आपको बेसिक जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ चलेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जानकारी दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 27 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है, यानी 27 अक्टूबर तक आप इस वैकेंसी के फॉर्म भर पाएंगे। और दोस्तों यहां पर प्री एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है वो नवंबर में जारी कर दिया जाएगा और PET जो ट्रेनिंग है वो नवंबर में ही करवाई जाएगी। और दोस्तों यहां पर आप नीचे देख सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कि सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम किए जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर दिसंबर में ही एग्ज़ाम लिए जाएंगे और रिज़ल्ट भी यहाँ पर दिसंबर में या फिर जनवरी 2022 में जारी कर दिया जाएगा। वैसे ही यहाँ पर मेन एग्ज़ाम की बात करें तो दोस्तों जनवरी या फिर फरवरी तक मेन एग्ज़ाम किए जाएंगे और दोस्तों यहाँ पर प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल 2022 तक एस्टिमेट डेट यहाँ पर बताई जा रही है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ चलेंगे तो एलिजिबिलिटी और बाकी सारी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दी गई है। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। नीचे चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको एज लिमिट के बारे में जानकारी दी गई है। 20 वर्ष की उम्र से लेकर 28 वर्ष की उम्र तक आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों SC ST कैटेगरीज़ के लिए 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट रखी गई है। OBC कैटेगरीज़ के लिए 3 वर्ष की यहाँ पर आयु सीमा में छूट रखी गई है और जो जो कैंडिडेट्स विकलांग हैं उसके उनके लिए यहाँ पर 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन यहाँ पर होना अनिवार्य रखा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस और बाकी सारी जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्री एग्जामिनेशन की जो ट्रेनिंग है वो हो सकता है कि COVID-19 की वजह से कैंसिल कर दी जाए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है।
नीचे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको सीआरपी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर तीन सब्जेक्ट रखे गए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। यहाँ पर आप मीडियम देख सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम यहाँ पर रखा गया है और दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 30 रखे गए हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, 35-35 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रखी गई है न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के लिए। वैसे यहाँ पर मार्क्स आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ पर एक मार्क्स का रखा गया है, टोटल मिला के यहाँ पर एक घंटा आपको दिया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन का भी पैटर्न आपको दिया गया है जो कि जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 50 रखे गए हैं। वैसे ही इंग्लिश से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 40 रखे गए हैं। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करें दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो 60 रखे गए हैं। वैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स भी यहाँ पर टोटल 50 रखे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर 190 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स यहाँ पर 200 मार्क्स का ही रखा गया है। यहाँ पर आपको टोटल 160 मिनट टाइम दिया जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी दी गई है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर मीडियम के बारे में आपको जानकारी दी गई है। यहाँ पर इंग्लिश हिंदी मीडियम में आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम में ही पेपर देना होगा। वैसे यहाँ पर आप बेसिक जानकारी आगे ले सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी है और ऑनलाइन मोड में यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये रही सारी जानकारी, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी लेके आता रहता हूँ।